नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज हम महागाथा महाभारत की कहानी और घटना चक्र के बारे में बात करेंगे। इसकी घटना चक्र इतने विस्तृत और व्यापक हैं कि जितना भी कोशिश करो कोई न कोई पात्र या कोई न कोई घटना अछूती रह ही जाती है। बेहद महत्वपूर्ण चरित्र और भूमिका होने के बावजूद पात्रों की अधिकता होने की वजह से ऐसे पात्र हैं जिन्हें या तो नजरअंदाज कर दिया गया या फिर उनकी भूमिका को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। महाभारत की महागाथा पर न जाने कितने ही नाटक बन चुके हैं और न जाने कितनी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन कम समय में ज्यादा समेटने के चक्कर में जिन जिन पात्रों के साथ न्याय नहीं किया गया है उनमें से एक पात्र है विकर्ण। विकर्ण महाभारत के युद्ध में शामिल एकमात्र ऐसा कौरव था जिसने आजीवन धर्म का साथ दिया। जहां प्रत्येक कौरव अधर्मी होने के कारण अपने ही परिवार के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, वहीं विकर्ण ऐसा कौरव था जिसने अपने अन्य भाइयों के विरुद्ध जाकर धर्म स्थापना के लिए पुरजोर कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद महाभारत की कहानी में विकर्ण को ज्यादा स्थान नहीं दिया गया। धर्म की राह पर चलते हुए विकर्ण ने सत्ता और शक्ति के नशे में चूर अपने अधर्मी भाइयों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके क्रोध की ज्वाला शांत न कर पाने की वजह से वह उनसे अपनी बात मनवा न सका, जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत के युद्ध में विकर्ण समेत सभी कौरव मारे गए जिनके रक्त से कुरुक्षेत्र की भूमि लाल हो गई। जब भी कौरवों की बात आती है तो अधिकांश दुर्योधन या दुशासन का नाम ही लिया जाता है। विकर्ण कौरवों के तीसरे भाई का नाम था जिसकी अस्त्र और शस्त्र शिक्षा कृपाचार्य द्रोणाचार्य और स्वयं भीष्म की देखरेख में संपन्न हुई थी, लेकिन महाभारत में महत्वपूर्ण स्थान न देकर ज्यादातर लेखों में उन्हें नजरअंदाज ही किया गया है। भागवत गीता में विकर्ण को एक महान योद्धा के तौर पर दर्शाया गया है। भगवान के अनुसार अगर कौरव सेना में कर्ण और अश्वत्थामा के अलावा कोई महान धनुर्धर था तो वह था विकर्ण। लेकिन महाभारत में अर्जुन, एकलव्य, अश्वत्थामा, कर्ण और अर्जुन की उपस्थिति के चलते विकर्ण को हमेशा अलग ही रखा गया। डॉक्टर पीवी नाथ द्वारा लिखी गई भागवत गीता में भी विकर्ण को महान धनुर्धर के रूप में दर्शाया गया है। द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब उन्हें गुरु दक्षिणा का समय आया तब कौरव ने उनसे पूछा कि गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा के एवज में क्या चाहिए। गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य ने कौरव से कहा कि वे द्रुपद के राज्य पर हमला कर उसका राजपाट छीन कर उन्हें सौंप दे। गुरु के निर्देशानुसार कौरव ने द्रुपद पर आक्रमण तो किया लेकिन द्रुपद की सेना के आगे उनकी बड़ी हार हुई। इस युद्ध में विकर्ण भी शामिल था जिसने हर संभव प्रयत्न कर गुरु द्रोण की इच्छा पूरी करनी चाहिए थी। कौरवों की हार के पश्चात द्रोणाचार्य ने पांडवों से यही गुरु दक्षिणा मांगी। पांडवों ने द्रुपद की सेना का सामना कर उसे हरा दिया और द्रोणाचार्य को उनके इच्छानुकूल गुरु दक्षिणा दी। इस युद्ध में विकर्ण की भूमिका बहुत बड़ी थी। अगर कौरव ही द्रुपद को हरा पाते तो विकर्ण को एक महान धनुर्धर के तौर पर लगभग सभी जानते। चौसर के खेल में अपना सब कुछ हारने के पश्चात जब पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में गंवा दिया तब द्रौपदी द्वारा अपने अपमान का बदला लेने के लिए दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करवाया। दुशासन द्वारा किए गए चीरहरण को सभा में बैठे सभी लोग देख रहे थे, जिनमें पांडव, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, भीष्म, विदुर आदि शामिल थे। लेकिन
किसी ने भी इस अधर्म के विरुद्ध अपनी आवाज नहीं उठाई। विकर्ण एकमात्र ऐसा कौरव था जिसने न सिर्फ अपने ज्येष्ठ भ्राता की इस हरकत के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि अंत तक दुर्योधन और दुशासन को समझाने का प्रयास करता रहा कि ऐसा करना अधर्म है। हालांकि विकर्ण के ये सभी प्रयास विफल हो गए, लेकिन इससे एक बात प्रमाणित हो गई कि गांधारी के गर्भ से केवल अधर्म ने ही नहीं बल्कि धर्म की राह पर चलने वाले पुत्र ने भी जन्म लिया था। महाभारत के युद्ध के 14वें दिन अर्जुन जयद्रथ को मारना चाहता था। भीम भी अपने भाई की सहायता करने के लिए द्रोण द्वारा भेजे गए शकटबाहु का वध करने के लिए निकल गए। इसी दौरान दुर्योधन ने भीम की हत्या का दायित्व विकर्ण को सौंप दिया। चीरहरण के दौरान द्रौपदी का सम्मान बचाने की कोशिश करने वाले कौरव विकर्ण को मारने की चेष्टा भीम नहीं करना चाहता था। भीम ने विकर्ण से कहा भी कि वे इस युद्ध से खुद को अलग कर लें, लेकिन विकर्ण ने ऐसा नहीं किया। विकर्ण ने भीम से कहा कि चीरहरण के समय अपने भाई की पत्नी के सम्मान को बचाना उसका दायित्व था और अब युद्ध में अपने भाई का साथ देना भी उसका धर्म है। वह अपने धर्म का साथ दे रहा है, इसलिए भीम को भी धर्म का ही साथ देकर उसके साथ युद्ध करना चाहिए। न चाहते हुए भी भीम ने विकर्ण की बात मान ली। दोनों में युद्ध हुआ जिसमें भीम ने विकर्ण का वध कर दिया। बहुत से इतिहासकार और पौराणिक जानकार विकर्ण और कुंभकर्ण के दरमियान एक समान अनुभव करते हैं। उन्हें विकर्ण और कुंभकर्ण में कुछ हद तक समानताएं दिखाई देती हैं। हालांकि दोनों ही युद्ध अलग अलग समय में हुए थे, लेकिन फिर भी दोनों के बीच बहुत कुछ एक समान था। जिस तरह धर्म और न्याय का पक्षधर होने के बावजूद केवल अपने भाई का साथ देने के लिए कुंभकर्ण भी राम रावण युद्ध में शामिल हुआ था, उसी तरह विकर्ण भी केवल अपने अधर्मी भाई की वजह से घटित हुए महाभारत के युद्ध में शामिल हुआ था। कुंभकर्ण भी यह अच्छी तरह जानता था कि भगवान राम के आगे रावण की जीत असंभव है। उसी प्रकार महाभारत के युद्ध के परिणाम को पूर्वानुमान लगाने के बावजूद अपने भाई का साथ देने के लिए विकर्ण भी महाभारत का हिस्सा बना। दोनों को ही अंत में अपनी जान गंवानी पड़ी। महाभारत के युद्ध में धर्म के जिस चेहरे को विकर्ण द्वारा उजागर किया गया, उसे स्वयं धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर और दानवीर कर्ण भी नहीं दर्शा पाए। जहां युद्ध में जीत हासिल करने के लिए अश्वत्थामा की झूठी खबर द्रोणाचार्य तक पहुंचाने वाले युधिष्ठिर भी सभा में अपनी पत्नी का सम्मान नहीं बचा पाए, वहीं दूसरी ओर द्रौपदी का अपमान करने वाले कर्ण भी धर्म का पालन करने में असमर्थ रहे। लेकिन विकर्ण ऐसा महान योद्धा था जिसने यह जानते बूझते कि धर्म राह पर चलने के बावजूद उसे अपने भाई की वजह से मौत का मुंह देखना होगा। उसने न तो अपने भाई का साथ छोड़ा और न ही अपने धर्म का। ऐसे में यह कहना गलत होगा कि जब अगली बार हम पांडवों और कृष्ण के रूप में महाभारत के महान योद्धाओं का जिक्र करेंगे तो हमें विकर्ण का नाम भूलना नहीं चाहिए। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपके पास भी किसी ऐसे ही पात्र के बारे में जानकारी है तो आप उसे हमारे साथ साझा करें। जय हिंद, जय भारत।